ज़रा इस रेसिपी को तो देखिए, है ना एकदम बढ़िया और टेम्पटिंग रेसिपी, मुंह में पानी आ गया ना। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रेसिपीज बाय ओनली खाना ऑफिशियल। देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो ये लिस्टेड है और हम इसके लिए लेंगे बॉयल्ड पोटैटोस, कैप्सिकम, बॉयल्ड पीनट्स जो ऑप्शनल है और रूटीन के स्पाइसेस। सबसे पहले पोटैटोस को अच्छे से मैश कर देंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी है, आप इसे कम से कम इंग्रेडिएंट्स में जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी बॉयल्ड पोटैटोस हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं, तो इसमें डाल देंगे रूटीन स्पाइसेस जो आपके मसाला बॉक्सेस में है। मैं यहाँ पे काले तिल का भी यूज़ कर रही हूँ जो टोटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिलीज, ओनियन, टोमेटोज, कोरिएंडर डाल के इसका फ्लेवर और भी एनहांस कर सकते हो। अभी मैंने लिया है कैप्सिकम और उसको ऊपर से कट करके बीच का पोर्शन अच्छे से निकाल दिया है। अभी इसको राउंड राउंड शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा कैप्सिकम अच्छे से फिल करके माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और तवे पर भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐसे स्लाइसेस कर रही हूँ जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, कम से कम टाइम लेते हैं और जल्दी से पक के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैप्सिकम अच्छे से कट कर लिए हैं। अभी जो हमारे स्टफिंग्स बनाई थी वो इसके अंदर अच्छे से रख देंगे, एकदम टाइट कर देंगे, जिसके जैसे ना हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ना अलग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्टफिंग्स वाले कैप्सिकम रेडी है। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसके बाद डालेंगे जीरा और हींग। तो तड़का लगाने के बाद हमने जो ये हमारे स्टफ्ड कैप्सिकम रखे हैं और इसको कुक करके 5 मिनट तक दोनों साइड से क्रिस्पी कर लेना है। हमें जो ये कैप्सिकम है उसे एकदम से नहीं पका लेना है, वरना ये सोगी सोगी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा क्रंची रहे तो अच्छा है। तो अभी इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे टोमेटोज के स्लाइसेस के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। साथ में रख देंगे टोमेटो सॉस, आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी क्विक रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।